शादी एक नाजुक बंधन होता है और बाज़ औक़ात लोग अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे इसके ख़त्म होने के खतरात बढ़ जाते हैं। आइए आपको चंद ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। एक, तनकीद। ये इंसानी फितरत है कि इसे तनकीद पसंद नहीं होती और अगर कोई ऐसा करे तो इसे काफ़ी बुरा लगता है। अक्सर देखा गया है कि शादीशुदा अफराद एक दूसरे को बाज़ औक़ात मामूली बातों पर बिला वजह तनकीद का निशाना बना डालते हैं। यह तनकीद किसी भी तरफ से की जाए काफ़ी बुरे नतायज लाती है। अक्सर जोड़े तनकीद और शिकायत की बारीक लकीर में भी तमीज़ नहीं कर पाते और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी की तारीफ करें और अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे तनकीद का निशाना बनाने की बजाय आराम से समझाएं कि ये बात गलत है और इसे इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान को अपनी तौहीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ तौहीन वाला रवैया अपनाएंगे तो यकीन जानिए कि इसे ये बात ना सिर्फ अच्छी नहीं लगेगी बल्कि इसके दिल में आपके लिए इज्जत कम हो जाएगी। अगर आपके जीवन साथी से कुछ गलत हो जाए तो इस अंदाज में बात कीजिए कि इसे महसूस ना हो कि आप इसकी तौहीन कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी लड़ाइयों को रिश्तेदारों के सामने तय करने की कोशिश करते हैं और बातचीत के दौरान कुछ ऐसे बातें कह जाते हैं जो कि तौहीन के ज़मरे में आती हैं। दो, तवज्जो से ना सुनना। अगर आपकी कोई बात ना सुने तो यकीनन आपको बुरा लगता है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी की बात नहीं सुनेंगे तो इसे भी ये बात बहुत बुरी लगेगी। इसे महसूस होगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल बेमायने है और ये रिश्ता उकताहट और कमज़ोरी का शिकार होने लगेगा। जब भी आपका जीवन साथी किसी मौजू पर बात करने की कोशिश करे तो इसे अहमियत दें। इसे ये लगे कि जैसे आपके लिए ये बातें बहुत अहम हैं कि इस तरह अपने होने का खुशगवार एहसास होगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। तीन, अपनी दुनिया में कैद हो जाना। आप अपने कामों में ज़रूर मसरूफ रहते होंगे लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ही तबाह कर डालें और अपनी दुनिया में कैद होकर रह जाएं। दफ्तर का काम दफ्तर ही में अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप घर में ही दफ्तर को महज गुफ्तगू बनाएंगे तो इसका आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर मनफी असर होगा। जब घर आए तो अपना तमाम वक्त अपने जीवन साथी को दें।